नमस्कार, आदाब। न्यूज 5 एम जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। सरायकेला खरसवां जिले के कपाली ओपी अंतर्गत इस्लाम नगर पहुंची अड़की पुलिस टावर से बैटरी चोरी के आरोप में फरार चल रहे कलामुद्दीन उर्फ कलाम के मकान में लगाया गया इश्तेहार। वहीं जानकारी देते हुए खूंटी जिले के अड़की थाना के सब इंस्पेक्टर कुंदन कुमार ने बताया, इटकी थाना क्षेत्र में बैटरी चोरी की घटना हुई थी, जिसको लेकर जांच पड़ताल में कपाली के 3 युवक का नाम आया था। वहीं पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए चोरी की बैटरी समेत 2 युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय की हिरासत में भेज दिया गया है और 1 कपाली के मोहम्मद कलामुद्दीन उर्फ कलाम फरार चल रहे हैं। वहीं इस केस को लेकर फरार चल रहे आरोपी के घर इश्तेहार लगाया गया। उन्होंने बताया, अगर जल्द सरेंडर नहीं किया गया तो उनके घर की कुर्की जब्ती की जाएगी। एक चोरी की घटना हुई थी खूंटी में अर्की थाना के अंतर्गत, वहाँ एक टावर से बैटरी चोरी होने की घटना हुई थी, जिसमें कलीमुद्दीन उर्फ कलाम अंसारी जो है फरार है। उसके यहाँ इश्तेहार चिपकाने हम लोग आए थे, इश्तेहार का तामला किया जा चुका है। अगर सरेंडर नहीं करते हैं तो कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। तो कुल कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? 2 लोग रहने वाले हैं। तीनों यहीं के हैं। 3 लोग थे, जिसमें 2 लोग गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं और कलाम जो है फरार है। तो ये लोग कितने दिन से चोरी कर रहे थे या फिर पहले से शादी अपराधी? इनका अभी तक तो पता नहीं चला, वहाँ एक ही केस दर्ज है और अभी अपराधी की तरह खंगाला जा रहा है। हाँ, बैटरी बरामद हुई है, जिसमें 2 लोग जेल गए हैं। घटना कब का है? घटना अगस्त का है और अर्की थाना अंतर्गत है। अभी भी किसी की गिरफ्तारी हुई? अभी नहीं किसी की हुई। सब इंस्पेक्टर कुंदन कुमार।